हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 2 दिसंबर 2016, 2 दिसंबर 2016, और आज के द हिंदू में एडिटोरियल का हेडिंग आया है पेट्रियोटिज्म बाय डिक्टेट, अर्थात कड़े आदेश के द्वारा देशभक्ति। दोस्तों, ये मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय झंडे के विषय में दिए गए कुछ निर्देश। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आधारित एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में 1 दिसंबर 2016 और आज 2 दिसंबर 2016 को पुनः पुनः आया है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदी के राष्ट्रीय सहारा में भी महत्वपूर्ण लेख इस विषय में आए हैं। आइए हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय सहारा में आए इन सभी 2 दिनों के दौरान 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के सभी एडिटोरियल्स को एक साथ समग्र रूप में पढ़ते हैं ताकि अपने ज्ञान को परिपूर्णता प्रदान कर सकें। दोस्तों, डिस्कशन किया जाता है शुरू, तो सबसे पहली बात यह आती है कि याचिका एक कार्यकर्ता रहे हैं श्याम नारायण चौक से। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया था, कोर्ट के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय गान के उपयोग के परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, ये कुल 5 बिंदु हैं जो श्याम नारायण चौकसे ने कोर्ट के विचार के लिए प्रस्तुत किए थे। सबसे पहला बिंदु है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय गान के उपयोग की परंपरा पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा बिंदु था एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय गान का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रीय गान को पूरा अंत तक गाया जाना चाहिए, बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए। चौथा बिंदु था याचिका में कोर्ट से यह आदेश देने का आग्रह किया गया था कि राष्ट्रीय गान को ऐसे लोगों के बीच न गाया जाए जो इसे नहीं समझते। इसके अतिरिक्त पांचवा बिंदु था राष्ट्रीय गान की धुन बदलकर किसी और धुन में किसी और तरीके से गाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ये पांचों बिंदु श्री श्याम नारायण चौकसे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अपनी जो याचिका प्रस्तुत की थी उसमें ये विचारार्थ, ये सभी बिंदु शामिल किए गए थे। यद्यपि इन सभी बिंदुओं पर फैसला जो आया है, इन इन सभी बिंदुओं का अलग अलग उल्लेख उस फैसले में नहीं है, अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या फैसला दिया है, उसके क्या बिंदु हैं, तो ये दोस्तों 15 बिंदु हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कथित तौर पर शामिल है, जो कि मीडिया रिपोर्टों पर आधारित ये हमारी पूरी व्याख्या है। तो दोस्तों, फैसले में क्या क्या है ये 15 बिंदु मैं बताता हूँ। खड़े होकर लोग राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाएं, जब राष्ट्रगान बजाया जाए तब पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाया जाए, हर नागरिक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दर्शाए। चौथा बिंदु है लोगों को यह महसूस हो कि भारत मेरा देश और मेरी मातृभूमि है। पांचवा बिंदु, केंद्र को इस आदेश को हफ्ते भर में लागू करने का निर्देश दिया गया है। छठा बिंदु, इस बारे में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित करने के लिए कहा गया है। आठवां बिंदु, इसके मूल में राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक राष्ट्रभक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म की भावना विद्यमान है, ये बात कही गई है। अगला बिंदु है, कोई भी राष्ट्रगान बजाने के एवज में व्यावसायिक लाभ न ले। नौवा बिंदु है, इसका नाटकीय तौर पर उपयोग न किया जाए। 10वां बिंदु है, अवांछित वस्तुओं पर राष्ट्रगान न तो मुद्रित किया जाए और न ही दर्शाया जाए। 11वां बिंदु है, विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाने और इसके संक्षिप्त प्रारूप को कहीं भी बजाए जाने पर पाबंदी है। 12वां बिंदु है, आदेश को इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में प्रचारित किया जाए। 13वां बिंदु है, इस आदेश का पूरी तरह से पालन हो। 14वां बिंदु है, लोग यह महसूस करें कि वे सभी एक राष्ट्र में रहते हैं।
15वां बिंदु है, शास्त्रों में भी राष्ट्रवाद को स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और लोग खड़े होकर उसके प्रति सम्मान दर्शाएं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो तब थिएटर के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तथा उस समय हॉल के बाहर जाने के सभी रास्ते बंद रहें। दोस्तों ये सभी विषय हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं। पहले भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाने की परंपरा रही है। 1960 के दशक में भारत में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने की शुरुआत हुई। ये कार्य इसलिए किया जाता था कि सैनिकों का सम्मान बढ़ाया जाए और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई जाए। हालांकि बाद में शिकायतें आई कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान का अपमान होता है और इसके बाद करीब 40 वर्ष पहले सरकार ने 1970-80 के दशक में इसको बंद करवा दिया। दोस्तों 2003 में महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नियम बनाया जिसके तहत सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और इस दौरान लोगों का खड़े रहना आवश्यक बना दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को गलत तरीके से फहराने पर भी सजा का प्रावधान है। इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत ये कानून है और इसके तहत लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कोई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराए जाने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इस जेल की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा अर्थात कैद और पेनल्टी दोनों हो सकती है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की अनुमति नहीं है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार आकार में ही किया जाता है और उसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडे का इस्तेमाल यूनिफॉर्म या सजावट के सामान में नहीं किया जा सकता। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या एरोप्लेन में तिरंगा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा झंडा जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए या मेला कुचेला हो जाए तो उसे एकांत में पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। केवल एकांत में, सार्वजनिक तौर पर नहीं। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहेगा। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर नहीं लगाया जा सकता और न ही उसके बराबर की स्थिति में रखा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ मैं संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप जी के द्वारा बताई गई जो झंडा फहराने की जो नियमावली है उसका भी मैं साथ के साथ उल्लेख करना चाहता हूँ। झंडे का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने झंडा संहिता भारत इस नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की है। इस झंडा संहिता में उल्लिखित निर्देशों में झंडे को किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने झुकाने का निषेध है। पहला बिंदु ये था, झंडे को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामने झुकाने का निषेध है। दूसरा बिंदु है, कोई भी झंडा अथवा चिन्ह राष्ट्रीय झंडे के ऊपर अथवा उसके दाहिनी ओर नहीं रखा जाना चाहिए। एक ही पंक्ति में अनेक झंडे होने पर अन्य झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाईं ओर लेफ्ट साइड में रहेंगे। जब अन्य झंडों को ऊंचा उठाया जाए तो राष्ट्रीय झंडा सबसे ऊपर रहना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के साथ एक ही रस्सी से और कोई झंडा नहीं फहराया जा सकता। जहां तक एक ही बल्ली मतलब एक ही कॉलम, एक ही बल्ली या खंबे पर अलग अलग रस्सियां लगी हों और वे सभी रस्सियां शिखर तक नहीं पहुंचती हों, वहां पर राष्ट्रीय झंडा ऐसी बल्ली की सबसे ऊंची रस्सी से फहराया जाएगा। यदि झंडे को किसी खिड़की, छज्जे
अथवा मकान के मुख भाग से फ्रंट से आड़ा अथवा डंडे पर झुकी हुई स्थिति में फहराया जाए तो ये अलाउड है, लेकिन केसरिया रंग सबसे अगली ओर रहना चाहिए। जब राष्ट्रीय झंडा बल्ली के अलावा अन्य किसी ढंग से फहराया जाए, जैसे दीवार पर आड़ी स्थिति में फहराया जाना, तो ये भी अलाउड है, लेकिन केसरिया पट्टी ऊपर रहनी चाहिए और सीधा लटकाए जाने की स्थिति में पट्टी झंडे की दृष्टि से दाईं ओर रहनी चाहिए, अर्थात केसरिया पट्टी झंडे की ओर मुंह करके खड़े हुए व्यक्ति से बाईं ओर होगी। जब यह झंडा पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली किसी सड़क के बीचों बीच लटकाया जाना हो तो यह इस प्रकार से लटकाया जाए कि केसरिया पट्टी या तो पूर्व दिशा की ओर रहे या उत्तर दिशा की ओर रहे। जुलूस या परेड में राष्ट्रीय झंडा मार्च करने वालों की दाईं ओर रहना चाहिए। यदि झंडों की पंक्ति बनाई गई हो तो यह पंक्ति के बीच के बिल्कुल सामने हो। सामान्यतया राष्ट्रीय झंडा महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, आयुक्त के कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों, जेल और जिला बोर्डों तथा जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं के कार्यालयों पर फहराया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्म दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा राष्ट्रीय उल्लास के अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है, परंतु इन अवसरों पर भी मोटर कारों पर इसे मंत्री आदि वही लोग फहरा सकते हैं जो इसके अधिकारी हैं। केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना किसी व्यापारी, कारोबारी अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए अथवा किसी व्यापार चिन्ह अथवा डिजाइन के रूप में राष्ट्रीय झंडे का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान और राष्ट्रगान के प्रति कोई अवमानना प्रदर्शित न की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक संबंधी अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। 1971 के इस कानून के माध्यम से प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग पर रोक अधिनियम 1950 जो 1950 में बनाया गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े ही समय बाद इसको 1950 में पारित किया गया था और इसके उद्देश्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनुचित उपयोग रोकना शामिल है। 26 जनवरी 2002 से नई झंडा संहिता, नया फ्लैग कोड लागू हुआ था। उसके अनुसार आम जनता, निजी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रध्वज के प्रयोग पर कोई पाबंदी नहीं रही, परंतु 1950 और 1971 के अधिनियमों अथवा अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपराध दंडनीय बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारा विवरण श्री सुभाष कश्यप की पुस्तक से मैंने लिया है। तो अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने एडिटोरियल में लिखता है कि प्राप्त हुई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग आजकल राष्ट्रगान को गाने की विधि अच्छी तरह नहीं जानते तथा लोगों को इस विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए। हाल ही में UGC के एक निर्देश का उल्लेख करते हुए इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि UGC ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर निर्देश दिया था कि सभी विद्यालयों में मौलिक कर्तव्य पर विशेष बल देते हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज पर विशेष बल देते हुए संविधान का सामान्य रूप में ज्ञान सभी छात्रों को अवश्य कराया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो चीज़ें हो रही हैं इनसे कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ये प्रश्न उठाता है। पहला प्रश्न ये है कि न्यायिक ओवररीच, जिसे हमें कहना चाहिए जुडिशियल ओवररीच, जिसमें कि बढ़ चढ़ कर न्यायपालिका फैसले देता है, तो ये भावना प्रबल हो रही है जुडिशियल ओवररीच की। दूसरा प्रश्न है कि क्या नागरिकों को अबोध या निरीह समझा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है, कानूनों का निर्माण करना नहीं। लोकतंत्र शक्तियों के पृथक्करण पर निर्भर है
और जुडिशियल ओवररीच आजकल अधिक सामान्य बनता जा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका कथित तौर पर विधायिका के विधायन प्राधिकार को ग्रहण करते हुए नजर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि यह भी एक गंभीर तर्क है कि अनिवार्य राष्ट्रवाद से पहचानों तथा व्यवहारों की एकरूपता लाए जाने की अनंत श्रृंखला शुरू हो सकती है, जिससे हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विविधता डाइवर्सिटी या अनेकता की भावना खतरे में पड़ सकती है। कहा गया है कि राष्ट्रवाद किसी गुस्से का प्रतिफल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद दंडात्मक नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद अथॉरिटेरियन एकाधिकारवादी या दबंग अर्थात अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद को अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि राष्ट्रवाद में सर्वसमावेश की भावना होना अति आवश्यक है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने से बचा जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूतकाल में भी अल्पसंख्यकों व अन्य वर्गों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं व मूल अधिकारों की भली भांति रक्षा की है। खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इस फैसले की आड़ में आक्रमण किया जाना आरंभ हो जाए, या फिर अपने से असंतुष्ट या भिन्न मत रखने वाले अपने ही संप्रदाय के लोगों के खिलाफ भी किसी प्रकार की असहिष्णुता लागू हो जाए, या फिर किसी प्रकार से विरोधी विचारों को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति भी शुरू हो सकती है। तो ये जो मामला है पूरा, इसमें आगे लिखता है इंडियन एक्सप्रेस की सुप्रीम कोर्ट की भूमिका संवैधानिक नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक के रूप में रही है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि संविधान की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करते समय अब से पहले नागरिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता रहा है। पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संविधान की व्याख्या नागरिक कर्तव्यों सिटीजन्स ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रकाश में की जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि संविधान की व्याख्या करते समय नागरिक कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। वर्तमान अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नागरिक अधिकारों व नागरिक कर्तव्यों दोनों को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया है, काउंटर बैलेंस करने का प्रयास किया है। इससे दो प्रश्न उठते हैं। क्या मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों से अधिक पावन तथा अनुल्लंघनीय हैं? क्या इससे यह इंगित होता है कि कुछ मौलिक कर्तव्यों की पालना करने पर ही मूल अधिकारों का दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अंतरिम आदेश संविधान की व्याख्या में एक नए युग का आरंभ करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन संवैधानिक पवित्र आदेश आदर्शों के आलोक में की जाती रही है, अभी तक ये परंपरा रही है कि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट जब करता है तो पवित्र संवैधानिक आदर्शों के आलोक में करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन संवैधानिक आदर्शों में मौलिक अधिकारों को शामिल रखा है, परंतु पहली बार उन संवैधानिक आदर्शों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप एक और तो जनता के कल्याण व स्वतंत्रता की भावना पर आधारित ग्रंथ के रूप में है, वहीं वर्तमान नई परिस्थितियां भारतीय संविधान को प्राधिकार अथॉरिटी व राष्ट्रभक्ति के आधार पर आधारित ग्रंथ के रूप में देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान आदेश में संवैधानिक राष्ट्रभक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म शब्द का उपयोग किया है। दोस्तों, यहाँ देखना जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म की परिभाषा क्या है। इसकी दो प्रकार की परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कि नागरिकों से ये आग्रह करना कि नागरिक लोकतांत्रिक नीतिशास्त्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। दूसरी इसकी परिभाषा है कि भाषागत निष्ठाओं, क्षेत्रीय निष्ठाओं, जातिगत निष्ठाओं से परे जाकर नागरिकों से ये और देश के विचारशील निवासियों से
राष्ट्र के प्रति निष्ठा को सभी अन्य निष्ठाओं से ऊपर रखने का आग्रह करना। ये जो पहली व्याख्या है, पहली व्याख्या का अर्थ है कि नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन अवश्य करें, लेकिन दूसरी व्याख्या को अपनाने का खतरा यह है कि कहीं बहुसंख्यकों का राष्ट्रवाद संवैधानिक राष्ट्रभक्ति की परिभाषा को ढक ना ले। दोस्तों, संविधान प्रेरित राष्ट्रभक्ति या कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म की आड़ में यदि विचारों की एकरूपता या जीवन जीने की पद्धति में एकरूपता को थोपा गया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रतिकूल होगा। संविधानवाद अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी विपरीत होगा ये। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नागरिकता अधिकार की पुनर्व्याख्या करता है। मूल अधिकार मूल अधिकारों की हाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश नागरिकता अधिकारों की पुनर्व्याख्या करता हुआ प्रतीत होता है। मूल अधिकारों को प्राप्त करना ही पहले नागरिकता का प्रतीक रहा है। पहले नागरिक अधिकारों तथा मूल अधिकारों को एक ही रूप में, एक ही समान अर्थ में देखा जाता रहा है। यदि मूल अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई है तो नागरिकता अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित स्वतः ही हो जाती है। लेकिन अब मौलिक कर्तव्यों के पालन के बिना आप देशभक्त नागरिक नहीं हो सकते, ऐसी भावना प्रतीत हो रही है। दोस्तों, न्यायिक निर्णयन समकालीन नैतिक आदर्शों की धारा से प्रभावित होते रहे हैं, यह किसी आश्चर्य का विषय नहीं है। संविधानवाद राजतंत्र की प्रजाओं द्वारा अपने नागरिकों की अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए लंबे संघर्ष से उपजा है। ध्यान दीजिए, संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे उत्पन्न होता है? तो संविधानवाद राजतंत्रों की प्रजाओं द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए लंबे संघर्ष की उपज है। यदि राज्य राष्ट्रवाद की भावना की शर्तें तय करता है और दो टूक तरीके से नागरिकता अधिकारों की पुनर्व्याख्या मौलिक अधिकारों का पक्ष लेते हुए करता है तो यह इतिहास के पहिए को पीछे घुमाने के समान है। भारतीय राष्ट्रवाद ने हमें लोकतंत्र प्रदान किया है। भारतीय प्रजाओं को प्रजा से हटाकर नागरिक का दर्जा दिया है। क्या अब हम पीछे हटना चाह रहे हैं? दोस्तों, भारत का संविधान राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान को सम्मान दिए जाने का निर्देश मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज में भाग 4A पार्ट 4A में देता है। ये भाग 4A जो ये पार्ट 4A है भारतीय संविधान का, यह मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। भाग 4A में भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ये मौलिक कर्तव्य जस्टिसिएबल नहीं होते, अर्थात न्यायालय द्वारा न्याय योग्य नहीं होते। आप यदि मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित जो है मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय में रिट दाखिल नहीं की जा सकती तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 51A में भी कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करे। भारत के संविधान निर्माताओं का यह संदेश स्पष्ट था कि राष्ट्र तथा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को कानूनी बाध्यता के माध्यम से या राज्य के निर्देशों के अनुसार लागू नहीं किया गया था। इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का एक अन्य निर्णय इससे पहले आया था जिसमें आर्टिकल 51A की व्याख्या की गई थी। दोस्तों, अगस्त 1986 में बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स
बनाम स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के मामले में 9 अगस्त 1986 में बिजॉय इमैनुअल एवं अन्य बनाम राज्य केरला राज्य तथा अन्य के मामले में जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी तथा जस्टिस एम एम दत्त के सामने यह प्रश्न था कि जेहोवाह के गवाह जेहोवाज विटनेसेस ये एक संप्रदाय है, ये क्रिश्चियंस का एक संप्रदाय है, जेहोवाह के गवाह ये इसका नाम है, क्रिश्चियंस के एक संप्रदाय का नाम है जेहोवाह के गवाह। तो ये जेहोवाह के गवाह जो संप्रदाय है उसके 3 बच्चों ने विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा के समय राष्ट्रगान गाने से इनकार किया था क्योंकि कथित रूप से राष्ट्रगान को गाया जाना उनके धार्मिक विश्वास के सिद्धांतों के विरुद्ध था। इस आधार पर विद्यालय से उनके निष्कासन को न्यायोचित ठहराया जाना था और ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अगस्त 1986 में बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के मामले में आया था। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने विद्यालय से निष्कासन के निर्णय को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म को अपनाने व्यवहार तथा परंपरा में लाने तथा धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रताओं के मूल अधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करे। उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष दिया था कि हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है, हमारा दर्शन अर्थात फिलॉसफी सहिष्णुता का उपदेश देती है तथा हमारा संविधान सहिष्णुता को क्रियान्वित करता है। आइए सहिष्णुता को विरल न होने दें या डाइल्यूट न होने दें। मार्च 2016 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जोर देकर कहा गया था कि भारत माता की जय कहना संवैधानिक बाध्यता है। मार्च 2016 में ही AIMIM के एक चुने हुए विधायक वारिस पठान को भारत माता की जय न बोलने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। इसी विषय में आगे इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का नवीनतम फैसला कथित रूप से न्यायिक शुचिता को कम करता है, न्यायिक पवित्रता को कम करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी कम करता है और राष्ट्रभक्ति के प्रतीकों के बारे में स्पष्ट कथन करके देशभक्ति की प्रभावकारिता को भी कथित रूप से कम करता है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जनगण मन की रचना की थी, तब आलोचकों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जॉर्ज पंचम के स्वागत में यह गीत लिखा ऐसा प्रतीत होता है। इसका खंडन करते हुए टैगोर ने कहा था कि मैंने कभी कोई गीत जॉर्ज पांचवे, छठे या अन्य किसी जॉर्ज के लिए नहीं लिखा। टैगोर को लगता था कि हम भारतीय लोग क्षेत्रीय खांचों या जातिगत खांचों में बटे हुए हैं, इसलिए भारतीयों में घनिष्ठता व एकता को प्रेरित करने हेतु यह गान लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक अभिजात कुलीन पुरुष थे, उनका राष्ट्रवाद विश्व भर के देशों की तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं से अभिप्रेरित रहा। रविंद्रनाथ टैगोर जापान, यूरोप व रूस में राष्ट्रवादी उभार के सूक्ष्म समालोचक तथा मूल्यांकनकर्ता व्यक्तित्व थे। उन्होंने 1938 के आसपास कथित रूप से फासिस्ट जापान द्वारा वर्ष 1938 के आसपास चीन पर आक्रमण करने की निंदा की थी। उन्होंने इसके विरोध में अर्थात फासिस्ट जापान द्वारा चीन पर हमले के विरोध में योन नोगुची को पत्र लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर तत्कालीन सोवियत संघ में राष्ट्रवादी उभार के प्रति भी सतर्क थे। उन्होंने कहा था कि रूस के नागरिक अनुशासनबद्ध तथा अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होते हैं, परंतु सोवियत संघ द्वारा अपने नागरिकों के लिए निश्चित किए गए यंत्रवत रोबोटिक नियमों से फासीवाद का संभावित खतरा कथित रूप से हो सकता है। 1905 में बंग भंग का
रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था, हर संभव विरोध बंग भंग का रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद पैटी नेशनलिज्म के खिलाफ अनेक बार अपनी आवाज उठाते रहे। उन्होंने गॉड पार्टिकल का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की पत्नी अबला बोस को एक पत्र लिखते समय संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में मानवता को मैं उपेक्षित नहीं कर सकता। जब तक मैं जीवित हूँ राष्ट्रवाद को मानवतावाद पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। एक अन्य स्थान पर राष्ट्रवाद के विषय में उन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा कि ऐसा राष्ट्रवाद जो लोगों के अधिकारों व उनकी प्रसन्नताओं की बलि ले ले वह संकीर्ण राष्ट्रवाद किसी भी महान सभ्यता की नींव को मजबूत नहीं करता, वरन राष्ट्र की नींव को खोखला कर सकता है। आगे इकोनॉमिक टाइम्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदाहरण देता है कि इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला 1989 में दिया था और वहां के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में व्यवस्था दी कि अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज को जलाना यद्यपि निंदा के योग्य कार्य है तथापि इस कार्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी अवश्य प्राप्त रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये आमतौर पर नागरिक स्वयं निर्धारित करते हैं। राष्ट्रवाद को इस प्रकार से थोपा जाना अच्छा नहीं लगता। स्वच्छंद निरंकुश नागरिकों के अप्रिय कार्यों, इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वच्छंद निरंकुश नागरिकों के अप्रिय कार्यों या अप्रिय कथनों से देशों की अखंडता में न्यूनता उत्पन्न नहीं होती। देश की अखंडता कुप्रभावित तब होती है जब स्वयं किसी देश की व्यवस्था को संवैधानिक मानकों के अनुरूप न चलाया जाए। ये प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र के ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रगान विषयक आदेश में कथित रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो रहे। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि देशभक्ति का आधार नागरिकता पर गौरव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसी विषय में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कुछ लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों की सूची है और इन आदेशों में उन सभी अवसरों का उल्लेख है जब राष्ट्रगान को बजाया जाना चाहिए या राष्ट्रगान बजाने का महत्व है। उन आदेशों में सिनेमा हॉल में फिल्म प्रदर्शन को बिंदु के रूप में नहीं दर्शाया गया है, अर्थात गृह मंत्रालय के आदेशों में सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व इस शर्त का उल्लेख राष्ट्रगान को बजाए जाने के संदर्भ में नहीं है। यद्यपि सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजाने की परंपरा पहले विद्यमान रही थी तब भी गृह मंत्रालय ने अपने द्वारा बताई गई शर्तों एवं परिस्थितियों में राष्ट्रगान को फिल्म से पहले बजाया जाना इसको शामिल नहीं किया है। दोस्तों आगे इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि देशभक्ति का आधार नागरिकता पर गौरव के साथ जुड़ा हुआ है तथा देश की नागरिकता धारण करने को गौरव का विषय बनाने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य की भूमिका यह होनी चाहिए कि राज्य मध्यस्थता करके देशवासियों के बीच ऐसे प्रगाढ़ सामाजिक संबंध विकसित करने में योगदान दें जिससे देश के सभी नागरिक एक समान राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों में सामंजस्य स्थापित करके व्यापक सामाजिक हितों को यदि संभव हो तो प्रत्यक्षतः नहीं तो अप्रत्यक्षतः समृद्ध बनाने में स्वतः प्रेरणा से योगदान करें। स्वतः स्फूर्त रूप से यह तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय नीतियां सुशासन तथा
राजनीतिक व्यवस्था में पंक्ति के सबसे अंतिम सोपान पर खड़े देश के सबसे साधारण व्यक्ति के जीवन को वास्तविक अर्थों में बेहतर बनाने हेतु व्यापक भागीदारी की भावना से लोकतंत्र के चारों स्तंभ जब ओतप्रोत होंगे तभी ये गौरव की भावना आएगी। राष्ट्रभक्ति की भावना में वृद्धि का मार्ग राजनीतिक शुचिता सुनिश्चित करने से ही प्रशस्त हो सकता है। इस प्रकार ये कंक्लूजन इकोनॉमिक टाइम्स देता है। तो दोस्तों ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नित्य नई एडिटोरियल्स की वीडियो प्राप्त होती रहे। सब्सक्राइब करना निःशुल्क है और सब्सक्राइब करने से ये लाभ होगा कि आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में हर एक एडिटोरियल की वीडियो का लिंक ऑटोमेटिकली सेंड होता रहेगा। इससे यदि आप प्रतिदिन YouTube चैनल नहीं भी देख पाते तब भी किसी विशेष दिन अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोलकर उसमें दिए गए प्रत्येक लिंक पर क्लिक करके आप सभी एडिटोरियल्स देख सकते हैं। आपका कोई भी एडिटोरियल मिस नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।